नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे भी हम लोग जानते हैं, कोरोना जो वायरस है वो अपनी चरम सीमा पे है और बहुत से लोग उससे बीमार भी हो रहे हैं। बीमार जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं वो मर भी रहे हैं। तो भविष्य में हमें कोरोना या उसके जैसी कोई बीमारी ना हो, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए कुछ खास नहीं करना है, बस आपको अपनी इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ानी है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास नहीं जाना है। आपको केवल अपनी रसोई में देखना है, वहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत जल्दी इतना स्ट्रोंग कर देंगी कि कोई भी वायरस 1 से 2 दिन, 3 दिन से ज़्यादा आपके शरीर में रुक नहीं पाएगा। उसके लिए सबसे पहले जो आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि सर्दियों में हम च्यवनप्राश का सेवन करें, अच्छे प्रमाणिक कंपनी के च्यवनप्राश का सेवन करें, आंवला का सेवन करें, वो सर्दियों में भी और गर्मियों दोनों में किया जा सकता है। आंवले का मुरब्बा जिस रूप में आप ले सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फल खाएं, और अगर सिट्रस फूड फूड हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिनमें थोड़ा खटास होता है। नारियल पानी भी इम्यूनिटी को बहुत बड़े लेवल पे बूस्ट करता है, कच्चे नारियल में जो पानी होता है। और दूसरा है सेम हर्बल टी या काढ़ा, जो आयुष मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी बताया है। उसमें आपको सिर्फ घर की चीज़ें यूज़ करनी है। उसका तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। गैस पे आपको पानी रखना है, पानी रखने के बाद उसमें आपको एक अदरक का टुकड़ा डालना है। कस के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें 2 लौंग डालनी है आपको तोड़ के, 2 इलायची तोड़ के डालनी है, 4 पत्ते तुलसी के डालने हैं, एक छोटी सी लकड़ी आपको गिलोय की डालनी है, और उसके बाद उसको उबालने के लिए छोड़ देना है। ये सब सब जो चीज़ें मैंने बताई आपको, इसमें 1 गिलास पानी यूज़ करना है और उसको तब तक उबालना है जब तक वो 50% ना रह जाए। जब वो 50% या 60% के आसपास बचेगा तब आप उसको उतार के छान के बिल्कुल अलग कर लें। और इसमें आप, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज नहीं हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो आप इसमें 2 चम्मच शहद की और मिला सकते हैं। इससे ये आपको मीठे का भी अच्छा स्वाद देगा, प्लस शहद के जो अपने गुण हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। ये ध्यान रखना है, शहद को गैस पे नहीं डालना है, नीचे उतार के छानने के बाद उसमें शहद डालना है आपको। और आपको नज़ला, जुकाम, खांसी ये चीज़ें नहीं हैं तो आप उसमें आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। और ये इतनी बेहतरीन और स्वादिष्ट हर्बल टी बनेगी, शायद जो चाय कॉफ़ी आप पीते हैं कभी, शायद ही कभी आपको उसमें उतना स्वाद आया हो। ये 3-4 मिनट की वीडियो में मैंने आपको मेनली वही बताया कि इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। और इस सब तरीके से करने के बाद आपको एक फायदा दिखेगा कि बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी जिनको होता है उनका, वो 3-4 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मौसम चेंज होने पर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो चुकी होगी कि कोई बैक्टीरिया या वायरस शरीर में आएगा तो वो उसको बाहर फेंक देगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जुकाम जब भी आपको लगे तो आप 2 दिन बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरीके की दवाई ना लें। अदरवाइज वो जो इन्फेक्शन है, जो जो जिसको आपका शरीर बाहर फेंक रहा है कफ के रूप में, जुकाम जो नाक से निकलता है उस पानी के रूप में, आँख से जो निकलता है उस पानी के रूप में, वो शरीर में ही रुक जाएगा, फिर सप्रेस हो जाएगा, वहीं पे छिप जाएगा। फिर जैसे ही उसके अनुकूल मौसम आएगा, मतलब अगली बार फिर जब मौसम चेंज होगा तो दोबारा फिर आपको वो इन्फेक्शन हो जाएगा, चाहे आप कहीं बाहर भी ना जाए। ये ध्यान रखना है। बुखार भी अगर हल्का है तो मैं कहूंगा कि आप पैरासीटामोल या दूसरी दवाई ना लें, क्योंकि इस काढ़े से बुखार भी उतर जाता है। बहुत तेज बुखार है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब आप थोड़ा दवाई के बारे में देख सकते हैं। तो ये था कि इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें और इन सीजनल वायरस और बैक्टीरिया से कैसे बचा जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।